आप लोग सुनते होंगे ई कचरा के बारे में, या फिर आप लोग कह देते हो उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा। आप जानते हैं कि जैसे आपका फोन हो गया, आपके घर में टीवी होगी, वॉशिंग मशीन होगी, फ्रिज होगा, या फिर आप देखते हैं कई तरह के कैमरे भी होते हैं। इस तरह के जो भी उपकरण होते हैं वो खराब होने के बाद आखिर जाते कहाँ हैं? एक तरह से आप देखते होंगे कि अपने घर में कोई काम करते हैं आप लोग, जो आपके घर में कचरा निकलता है तो उसे आप किस नाम से देते हैं? यही तो कचरा है। समझ रहे हैं आप लोग कि मतलब आपका फोन खराब हो गया, आपने फेंक दिया, आपके घर में भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकल आया है। ठीक है, तो हाल ही में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुपालन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में आदेश दिया है कि नियमों के अनुरूप ई कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे देश में कई नियम कानून बनाए जाते हैं, इसी तरह का एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसे आप लोग एनजीटी कह देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 16 अक्टूबर 2010 में, एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसने एक नियम बनाए थे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए, लेकिन उसे हर कोई नहीं मान रहा है। उसके जो नियम थे उनके अनुपालन में, यानी कि उनके पालन करने में भारी गिरावट देखी जा रही है। और आप समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, आपके मुख्य परीक्षा में भी लिखने के लिए आ सकते हैं। और एक बात और याद रखिए आप लोग कि मुझे लगता है कि आप लोग अगर मोबाइल चलाते हैं या फिर आप देखते हैं कुछ भी आप इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाते हैं, तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि ई कचरा आखिर है क्या। कई जगह आप लोग इस तरह के शब्द सुनते रहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो यही है ई कचरा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये दिशा निर्देश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जारी किया गया है। ई कचरा कंप्यूटर तथा उससे संबंधित अन्य उपकरण तथा टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज जैसे घरेलू उपकरण और कैमरे, मोबाइल फोन और उससे जुड़े अन्य उत्पाद जब जलन उपयोग से बाहर हो जाते हैं, यानी कि चलन उपयोग से कहने का मतलब है कि आपने उपयोग कर लिया, खराब हो गया, वो आगे चलाने उपयोग नहीं है तो आप फेंक देते हैं उसे, तो इन्हें संयुक्त रूप से ई कचरे की संज्ञा दी गई है, यानी कि ई कचरा कहा गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घटक और पुर्जे आदि शामिल होते हैं। इसे आप देखेंगे दो व्यापक श्रेणियों के तहत 21 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका सूचना प्रौद्योगिकी और संचार उपकरण, दूसरा है आपका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण। ई कचरे के प्रबंधन को लेकर वर्ष 2011 में से ही भारत में कानून मौजूद है जिसके मुताबिक केवल अधिकृत विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ही ई कचरे का एकत्रित कर सकता है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को 2017 में लागू किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश। इसे भी याद रखिए, भोपाल मध्य प्रदेश में घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बाकी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आप देखेंगे भारत में ई कचरे का उत्पादन की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार भारत ने में वर्ष 2019-20 में 10 लाख टन से अधिक ई कचरा उत्पन्न हुआ था, और वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में ई कचरे में 7 लाख टन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके विपरीत ई कचरे के विघटन और पुनर्चक्रण की क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सीधा सा आप लोग जानते हैं कि पहले आप लोगों में से कई लोग फोनों का उदाहरण ले लीजिए, मोबाइल्स का, किसी किसी के पास हुआ करता था बहुत पहले मोबाइल, फिर आपने देखा है आज आप ये स्थिति बन चुकी है कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के पास एक दो फोन होंगे। आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के पास भी आजकल आपको देखने को मिल जाएंगे, दो तीन फोन मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बढ़ना स्वाभाविक सी बात थी कचरा का। सीधा आप समझ सकते हैं कि 2017-18 से 2019-20 में 7 लाख टन की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन इसका जो एक तरह से विघटन या पुनर्चक्रण, इसे यानी कि खत्म करने या किसी दूसरी चीज में बदलने की प्रक्रिया में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है, लेकिन इसके उत्पादन में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2018 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल को बताया था कि भारत में ई कचरे का 95% पुनर्नवीनीकरण अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है
और अधिकांश इसके डीलरों द्वारा इसका निपटान अवैज्ञानिक तरीके से इसे जलाकर या फिर एसिड के माध्यम से किया जाता है। और आप समझते हैं कि जब इसे जलाया जाता है तो आप प्रदूषण भी फैलता है, और आप समझिए कि ये प्रदूषण, ये जो धुआं निकलता होगा, ये बहुत ही खतरनाक धुआं होता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी कई तरह के प्रभाव डालता है। अगर हम लोग टीवी नल के निर्देश की अगर बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की रिपोर्टों के आलोक में ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के वैज्ञानिक तरीके से प्रवर्तन हेतु और अधिक प्रयास किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने ई कचरा संग्रहण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मिली असफलता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि 2018-19 में तकरीबन 78,000 टन ई कचरा एकत्रित किया गया था, जो 1.54 लाख टन के लक्ष्य के मुताबिक काफी कम था। एक तरह से आप समझिए कि 1.54 लाख टन लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें से आप देखेंगे 78,000 टन ई कचरा ही एकत्रित किया जा सका है आपका 2018-19 में। और आने वाले समय में आप समझिए कि बढ़ते जाएगा ई कचरा। आप समझ रहे हैं कि हर किसी के पास सुविधा इस तरह की चाहता है कि टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, तो आप समझिए खराब भी तो होंगे। ऐसा तो है ना कि एक बार आपने ले लिए तो 2-4 पीढ़ियां उससे चले, समझ रहे हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे कि CPCB ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के नियम 16 के अनुपालन पर विचार कर सकती है, जो कि बिजली एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या फिर उपभोग वस्तुओं अथवा पुर्जों के निर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग में कमी से संबंधित है। इसमें ऐसे पुर्जे लगाए जाते हैं एक तरह से आप समझिए जो एक तरह से खतरनाक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल ने इस बात की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है कि ई कचरे को अवैज्ञानिक रूप से नियंत्रित करने से आवासीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती है। इस विषय पर सतर्कता बनाए रखने और इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता भी है, और इसके लिए CPCB द्वारा ई कचरे से संबंधित साइटिंग मानदंडों की समीक्षा और उन्हें अपडेट किए जाने की आवश्यकता है, और इस समीक्षा तीन माह के भीतर की जा सकती है। सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने और कानून के सही ढंग से प्रवर्तन के लिए जिला प्रशासन के साथ निरंतर सतर्कता के माध्यम से हॉटस्पॉट की पहचान करने हेतु समन्वय करना चाहिए। आप समझिए कि इनसे क्या होता है कि हमारी पर्यावरण को भी भारी नुकसान देखा जाता है। आप समझ रहे हैं, हमारी एक तरह से आपने गांधी जी का वो वक्तव्य सुना होगा। आप लोग कई बार इस तरह के पर्यावरण पर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है तो उसे आप लोग आंसर राइटिंग में भी डालते हैं कि मतलब पर्यावरण अपने आप में इतना शक्तिशाली है, इतना पर्याप्त है कि वो अपना जो भी उस नुकसान होता है उसकी भरपूर्ति करता रहता है। लेकिन जब आप लालची हो जाते हैं, एक तरह से कहने का वक्तव्य का यही मतलब है कि जब एक कोई व्यक्ति लालची हो जाता है, उसके लिए आप समझिए जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत कम पड़ जाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, आपको रहने के लिए एक तरह से आपके पास एक घर है, लेकिन आपका लालच बढ़ जाए तो आप समझिए कि उसके इससे क्या होता है कि आप 10 घर बना लेंगे तब भी आपको शांति नहीं मिलेगी, आपका लालच और बढ़ता जाएगा। एक समय देखा जाता था कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो खेत हुआ करते थे उनकी मेड बनाई जाती थी, बीच में कुछ खाली रास्ता छोड़ दिया जाता था, एक खेत के बीच दूसरे खेत के बीच कुछ रास्ता खाली रहता था जहां फसल नहीं बोई जाती थी। इतनी बड़ी मेड हुआ करती थी कि एक तरह से आप ट्रैक्टर भी उससे गुजार सकते थे। आज आप सोचिए कि दो खेत के बीच में इतना कम जगह रह गई है कि वहां से व्यक्ति को भी चलने में प्रॉब्लम होती है। यही हमारी लालच, फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के बारे में बात करें तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 को अधिसूचित किया गया था, और इस नियम से पहले ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 लागू था। 16 से पहले आपका यही लागू था, 11 वाला। इस नियम के दायरे में कुछ कुल आपके 21 प्रकार के उत्पाद अनुसूची 1 में शामिल किए गए हैं। इसमें अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अलावा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL और मरकरी पारा युक्त लैंप भी आपके शामिल किए गए हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माताओं को विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के दायरे में लाया गया है। उत्पादकों को ई कचरे के संग्रहण तथा आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। डिपोजिट रिफंड स्कीम को एक अतिरिक्त आर्थिक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्माता इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री के समय जमा राशि के रूप में एक अतिरिक्त राशि वसूलता है। उपभोक्ता को यह राशि उपकरण लौटाने पर ब्याज समेत
लौटा दी जाती है। एक तरह से आपने देखा होगा कि आप लोगों ने प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में सुना होगा। आप देखते थे कि आप कोई भी बैग, कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, आप लोग प्लास्टिक के डिब्बा होता था या पॉलीथीन होती थी उसमें लेते थे। आप लोगों को सलाह दी जाती थी कि आप लोग जूट का थैला हो या इस तरह का कोई थैला हो कि जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग आता रहे, या फिर उपयोग लायक ना बचे वो, तो उसको आसानी से एक तरह से विघटित किया जा सके। समझ रहे हैं आप लोग कि उससे कोई नुकसान ना हो पर्यावरण को। इसी तरह की आप लोग इस क्षेत्र में भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि या तो वो दोबारा उपयोग होने लगे, या आप समझिए कि दोबारा उपयोग ना हो तो कम से कम आसानी से उसे एक तरह से आप कहिए कि पुनर्गठन करके या विघटित किया जा सके, ठीक है, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए या मानव स्वास्थ्य जो भी है व्यवस्था है उसे नुकसान पहुंचाए। निराकरण और पुनर्चक्रण कार्यों में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य और कौशल विकास सुनिश्चित करने का कार्य राज्य सरकारों को सौंपा गया है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया गया है। ई कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण के लिए मौजूदा और आगामी औद्योगिक इकाइयों को उचित स्थान के आवंटन की भी व्यवस्था की गई है। आप देखते हैं कि हमारे देश में कई नियम बनाए जाते हैं, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो दंड भी क्या भी प्रावधान रखा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। एक बड़ा अच्छा कहावत है वो कि जहां लिखा होता है कि यहाँ मूतना मना है, यानी कि यह कहने का मतलब है कि यहाँ बाथरूम करना मना है, सबसे ज्यादा लोग वहीं जाते हैं, आपने देखा है। तो मतलब हमारी सोच है, हमारे भारतीय हम लोग बड़े, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम सब जागरूक हो जाए तो बहुत आगे निकल सकते हैं हम लोग। आपने देखा है स्वच्छ भारत अभियान के, आप भली कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का योगदान सबसे बड़ा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि इससे इस सरकार से पहले भी कई सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन उस समय लोग जागरूक नहीं थे, लोग इससे नहीं जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन इस बार आपने देखा हर व्यक्ति ने आगे बढ़ के एक तरह से सहयोग किया है, तब जाके हम लोगों ने काफी इसमें सफलता प्राप्त की है। आप देखते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री साहब जब कहते हैं कि 121 करोड़ जनसंख्या, जब एक पैर चले एक कदम बढ़ाएगी तो हम लोग 121 करोड़ आगे बढ़ जाएंगे कदम। आजकल ये अलग बात है कि आजकल वो 130 131 करोड़ कहने लगे हैं, और हो गई होगी इतनी तो हमारी जनसंख्या। जो यही है आपका ई कचरा जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ठीक है, इससे अगर क्वेश्चंस आता है तो भी आपके लिए सही है, अगर नहीं आता है वैसे भी आपको सामान्य जानकारी के लिए याद होना चाहिए।